किस नाम है तेरा? हाँ ये पढ़ लेगा। मम्मी की याद आती है तेरे? मम्मी, मम्मी की याद आती है? मम्मी हैं, आती है मम्मी की याद? हैं, पापा की? पापा, पापा की भी याद आती है। तेरा नाम क्या है? नाम विजय। विजय नाम है तेरा? हाँ। मम्मी की याद आती है? हाँ। मिलना है? हाँ। उनसे मिलना है? हाँ। आम, आम, आम नाम है। हाँ। तू तो पहले मिला हुआ मेरे से। हाँ। है ना? मम्मी पापा का नाम पता है कुछ? हाँ, मम्मी। क्या नाम है मम्मी का आपके? मम्मी का नाम जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर मम्मी का नाम है। मम्मी की याद आती है? हैं, मिलना है उनसे। पापा का क्या नाम है? पापा का क्या नाम है? पापा का हेफर होटस्ट जो था। है? क्या बोल रहे हो? पापा का नाम नहीं पता। जिला कौन सा है? जिला कौन? और मम्मी की याद आती है आपको? आती है, मिलना है उनसे। गांव बताया आपका कौन सा है? गांव नहीं पता? छोटे थे तब आए हुए? ये तो छोटा था। अच्छा, 13 में आए है ना। दोस्तों, आज मदर्स डे है और आज हम आपको लेके आए हैं बाड़मेर के एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बच्चे जो कहाँ कहाँ से पहुँच जाते हैं, जो लावारिस बच्चे जिनके पता नहीं है कि जिनके माँ बाप कौन है, और वह बच्चे यहाँ पर किस तरीके से पहुँचते हैं। कोई ट्रेनों में चढ़ जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता, कोई बोल नहीं सकता तो कोई अंधा होता है, तो कोई सोच नहीं सकता, किसी में सोचने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे कई बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे बाड़मेर का ये विद्यालय है जहाँ पर यहाँ पर सेवा की जाती है भामाशाहों के द्वारा। यहाँ पर शिक्षक रखे जाते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और पूरी मेहनत करके उनके घर तक पहुँचाते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और मास्टर्स भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये बच्चे कहाँ कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बच्चे कहाँ कहाँ तक यहाँ से पहुँचे हैं और इनके बारे में किस प्रकार से है जो देखभाल की जाती है और इनसे किस प्रकार से जो बातचीत की जाती है, इन सब सभी के बारे में है जो हम जानेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हैप्पीलाल मीणा है, करौली धौलपुर से निवासी हूँ और पिछले बड़े फरवरी से यहाँ लगा हुआ हूँ श्री संत साई अंदेव मुखबदीर विमंदित विद्यालय में। मैंने स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी एजुकेशन रिसर्च एजुकेशन एंड ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जयपुर से स्पेशल में मैंने बीएड किया है। एचआई बच्चे जो हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में मैंने स्पेशल बीएड कर रखा है। तो मुझे यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला तो मैं श्री संत साई विद्यालय में यहाँ आया हूँ। तो एचआई के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइन कराते हैं। ये इस विद्यालय में एच आई के कितने बच्चे हो गए? सर एच आई के टोटल बच्चे 34 है, 34 बच्चे हैं। वो सभी क्या बाहर से अनाथ है या? नहीं सर, अनाथ नहीं है। अनाथ आपके सामने बैठे एक राहुल नाम का बच्चा है, एक नरेश नाम का बच्चा है और नीचे बैठे बाकी सारे परिजनों के सुपुर्द आसपास के हैं। ये फिर बोल नहीं सकते तो इनके नाम का पता कैसे लगाया? बिल्कुल सर, इनको क्या है साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से इनकी तह तक इनकी भावनाओं तक पहुंचा जाता है। तब जाके जैसे ये हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा है, फुल हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा है, जैसे मैं आपके सामने इनका नाम पूछूंगा साइन लैंग्वेज में, तो ये साइन लैंग्वेज में एबीसीडी के माध्यम से ये अपना नाम राहुल बता रहा है। तो आर हो गया रा, ए हो गया राव, हु ल, एल, राहुल, एल, राहुल, एल, और इसका इसका नाम जैसे नरेश है। ये क्या नया है? समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं पा रहा कि धीरे धीरे ये एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है सक्सेस। कितना समय लग जाता है एक बच्चे को जो ऐसा नया बच्चा आता है तो उसको समझा? सर ये क्या है, स्पेशल जो बच्चे होते हैं तो उनका क्या है, कुछ आईक्यू लेवल और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे हमने इनकी काउंसलिंग की, इसकी नरेश की काउंसलिंग की पिछले काफ़ी दिन से लगे हुए, संस्था प्रबंधक साहब का काफ़ी सराहनीय काम है इस मामले में हमारे, मैं देख रहा हूँ पिछले फरवरी से। तो इनके जैसे काउंसलिंग की है मोबाइल के जरिए, नेटवर्क के जरिए, तो ये जैसे इन्होंने हमको बताया साइन लैंग्वेज में जो इनका क्या भाव था उसको हमने समझने पर हमको जाहिर होता है कि ये सरसा एक बिहार में पड़ता है, हमारा रेलवे जंक्शन है, वहाँ से ही बैठे थे। तो ये क्या कर रहे हैं वहाँ, क्यों आए, क्यों ट्रेन में बैठे? तो ये कह रही मैं और मेरी मम्मी क्या कचरे में से वो पीछे झोड़ा टांग के जैसे कचरे में से कुछ निकालते तत्व धुआ पुआ,
तो ये क्या है, ट्रेन की जो सीढ़ी होती है, ट्रेन बंद थी और ट्रेन की जो सीढ़ी है उस पर ये बैठे थे। तो ये क्या है, चाय तो वैसे ही है, मुकवा धीरे सुनते नहीं है, तो वो ट्रेन धीरे धीरे चलती है। इसकी मम्मी कुछ दूरी पर कचरे में कुछ बीन रही थी, तो ये क्या है निकल लिया वहाँ से। अब इनका आई क्यू लेवल एक छोटा है जिसमें, तो ये वहाँ तक की ये तह तक पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन चित्रों के माध्यम से, मोबाइल के डाटा के माध्यम से, जो हम हमारे एजुकेशन के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो पता लगा रहे, तो वो ये सरसा का रहने वाले है, आसपास के है, सरसा रेलवे स्टेशन से वहाँ से ये बैठा है, पूरे संकेत बता रहे हैं, इनको चित्र बताए गए, वहाँ की जानकारी बताई गई, कल्चर बताए गए, तो ये पूरी तरह सहमत है। अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ वहाँ से कहीं कहीं इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, तो इनको अपने परिवार की याद आती, कभी ये रोने नहीं लग जाते कि नहीं? जो रेजिडेंट वाले बच्चे हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, तो इनको क्या, सबको मोबाइल याद है, तो समय समय पर हम फ़ोन करवाते हैं इनको वीडियो कॉल के जरिए, तो इनके घर वाले तो क्या चाहिए नहीं है, लेकिन वो तो समझते हैं। तो इनके जैसे आज जैसे सुबह मैंने मॉर्निंग में, आज मदर्स डे है, तो सबको पता है, इनको पता ही रहते हैं, जैसे हम क्लास लेते हैं तो हम एक दो दिन पहले बताते हैं, एक दो दिन बाद में मदर्स डे है, तो मेरे फ़ोन से सबने वीडियो कॉल किया। एक इंटेलिजेंट HI बच्चा था, तो उसने सबको एक एक क्रम भाई बुलाया, सबसे वीडियो कॉल करवा दिए सब। नहीं मतलब इनके पता नहीं है माता पिता का, तो नहीं इनको तो वैसे याद दिलाया जाता है कि आज मदर डे है, तो अभी मैं जैसे आपके सामने माँ की याद आ रही है, लेकिन हमको पता नहीं है माँ के बारे। माँ की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है, कह रहा है कि आप हमको कैसे भी माँ पहुँचा, तो माँ की याद तो आती है, नॉर्मल सी बात है, याद तो क्यों नहीं आएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर बाकी परिवार वालों के बात करने, मतलब जैसे पिता की करे, भाई की करे, तो उनको कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, जैसे मैं पूछता हूँ, मैंने अभी पूछा कि राहुल आपके भाई कितने, ये भाई का संकेत है, बता रहे 3 भाई थे, बहन नहीं थी, सिर्फ 3 भाई थे, 3 भाई थे, 3 भाई थे, बहन नहीं, बहन नहीं है, बहन नहीं है, और ये अभी समझता नहीं है छोटा, इसलिए कन्फ्यूज होने जाओ, ये क्या है, छोटा है, समझ नहीं पा रहा है, समझने में थोड़ी वो है, पहले क्या स्पेशल एजुकेशन उन्होंने ली नहीं, ये तो छोटे से निकला है, और उनको तो क्या है स्पेशल एजुकेशन तो उनने भी नहीं ली, लेकिन यहाँ के क्या थोड़ा ट्रेंड हो गए, तो अभी आपकी टीम में जुटी हुई है इनका पता लगाने के लिए। बिल्कुल, सब तय तक पहुँच जाएगी, लगभग एक का तो तय है इनका तो, और इनके थोड़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे, हो जाएगी। तो सर आपने अभी एक बच्चे को घर भेजा था, वो कैसे थी, HIV थी या? हाँ, एक साल से पहले निकली हुई थी घर से, एक साल पहले घर से निकली हुई थी। तभी जब उस बच्चे को भेजा, उसके जो फादर है लेने के लिए, हमने बातचीत की, तो वो कह रहे हमारे घर पे कोई शादी हुआ था, और रात को डांस कार्यक्रम था, सुबह 5 बजे वो बच्चे घर से निकल गई थी। और बच्चे करीबन 9th-10th में पड़ी हुई थी, फिर इधर उधर घूमने के बाद उसको पता नहीं लगा, फिर FIR दर्ज कराई थी। फिर हमको 2-3 दिन पहले CWC जो बाल कल्याण समिति, उन्होंने यहाँ स्कूल को सौंपा। फिर जो बच्ची आई थी उसमें क्या, वो सब सदमे में थी, डरी हुई थी, नहीं किसी से बात करती, नहीं कुछ करती थी। धीरे धीरे यहाँ जो हमारा कर्मचारी है, वो धीरे धीरे बात करते गए, HM अनिल सर, उन्होंने बात करते करते उनको बच्चे का गैन तक पहुँचे। तो बोलने के बाद ज़्यादा बोलते नहीं, एक दिन अनिल सर ने बोला कि इस बच्चे को हो सकता है ये पड़ी हुई थी, कि उनको कुछ पेन कॉपी दो, तो हमारा जो कार्यकर्ता, उन्होंने पेन कॉपी दी, तो उसने टूटे फूटे उसके अंदर लिखा था, करते थे उसको संकेत के माध्यम से जोड़ के वापस बुलाया, तो आता पता लगा ये बच्ची झारखंड के अंदर है। आता ने से बात की पुलिस के माध्यम से, फिर पुलिस उसे घर गई, ऐसे पता लगा कि वीडियो को ले बात है, बच्ची हमारी है। फिर उस बच्ची को लेने के उसके फादर आए, वो शेड्यूल के माध्यम से उसको वापस कर दिए गए। आप किन बच्चों का ध्यान रखते हो यहाँ पर? बच्चों के जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम करता हूँ, पढ़ाने का काम करते हैं। उनकी कैसी लैंग्वेज होती है, कैसे किस लैंग्वेज? यही होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सिलेबस चलता है, वो सेम सिलेबस होता है इनका, लेकिन उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, जो ब्रेल लिपि होती है वो उभरी हुई लिपि होती है, उनके माध्यम से पढ़ते हैं, हाथ लगा के पता लगा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस तरीके से। अच्छा, तो ऐसे बच्चे कितने जो मानसिक रूप से
हमारे करीबन पूरी जो स्कूल है उसके अंतर्गत करीबन 108 के आसपास बच्चे हैं, उसमें 3 तरह के बच्चे हैं, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है और मानसिक विकृत बच्चे हैं। उसके अंदर करीब 50 के आसपास ये मानसिक वाले बच्चे हैं। तीनों के अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग स्टाफ लगा हुआ है, अलग अलग फैसिलिटी सब उस हिसाब से। जो सर है वो किन बच्चों का ध्यान रखते हैं? ये मानसिक वाले का देखभाल, जो मानसिक बच्चे हैं उनकी देखभाल करते हो आप? देखभाल, सुना क्रिया नहीं करना वो देखना, उनके खाना खाया नहीं खाया, उसने अच्छी ड्रेस पहनी नहीं पहनी, वो टाइम पे स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो देखने का। इनकी शिक्षा तो यही शिक्षा इनकी यही है पूरे। हाँ, इनके छुट्टी के बाद इनकी पूरी देख रेख करना, खेल वेल खिलाना, और बच्चा स्कूल गया, स्कूल से कितने वापस रूम में आया, कैसे कपड़े पहने, वापस दूसरे कपड़े पहनाना है, उसकी देखभाल करना, आपस में लड़े नहीं उसकी पूरी देख रेख करना, रात को दिन को भाग जाए उसको भी देख रेख करना, क्योंकि भाग भी जाते हैं, भाग जाते हैं उनको भी देख रखना, पूरा ध्यान नजर में रखना पूरे दिन की दिनचर्या में ही रहता है हमारा। अच्छा, तो कुल कितने स्टाफ हो गए जो इन 108 बच्चे करीब है इनका ध्यान? नहीं, MR में 7-8 स्टाफ है, उनको अलग पारी में काम करते हैं, सुबह नहाने के अलग आते हैं, धोने कपड़े वो अलग है, देखभाल करने के अलग है। तो ये नाम तो नहीं बता पा रहे हो? नाम बताते, कुछ नाम बताते? हाँ, ये नाम बता देते हैं। क्या नाम है? मिली मिनी मनीष मनीष नाम है। कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? ये क्या छोटा तक आया था? ये आया था, इसकी उम्र, इन दोनों की उम्र बिल्कुल छोटी थी, छोटा हुआ यहीं से बड़ा हुआ अभी, इसको पता नहीं कहाँ के माँ है कहाँ बाप है इसका, उतना पता नहीं है। वो बिल्कुल छोटे दोनों, मोहन बिल्कुल छोटा आया था, 2 साल का ही था। मनीष नाम है तेरा? हाँ, ये पढ़ लेगा। मम्मी की याद आती है तेरे? मम्मी की याद आती है? मम्मी है आती है मम्मी की याद है। पापा की? पापा की भी याद आती है। अच्छा, तेरे को आती है मम्मी की याद? हैं, क्या नाम है तेरा? मम्मी। तेरा नाम क्या है? नाम विजय। विजय नाम है तेरा? मम्मी की याद आती है? मिलना है उनसे? मिलना है? मिलने का मन होता है? नहीं होता। क्या नाम है तेरा? आम। आम, आम नाम है। तू तो पहले मिला हुआ मेरे से है ना, मिला हुआ है ना मेरे से। क्या नाम है तेरा? आप। तेरे मम्मी की याद आती तेरे को? ना। नहीं आती? क्यों नहीं आती? तो किसकी याद आती है तेरे को? नानीला। नानीला। नानीला? हाँ। नानी की याद आती है? हाँ। अच्छा, ये 4 बच्चे हैं ना जो मानसिक रूप से विकसित है। हाँ। और वो बहन? वो भी मानसिक रूप विकसित है, पुलिस के द्वारा आई हुई है। वो बोल नहीं पाते? बोल पाती है, बोलती है, बोलती है, आराम से बोलो। पूरी बोलती है। क्या नाम है आपका? प्रविंदर ज्योत। प्रिंकर ज्योत? हाँ, प्रविंदर ज्योत। कहाँ से हो आप? ऐसे से। नहीं, मतलब आप कहाँ से आए हो यहाँ पर, पता है आपको कुछ? नहीं पता। गांव कौन सा है? गांव कौन है, कौन सा है? गांव चमेली खाना। क्या बोल रहे हैं? चमेली खाना। जोर बोल रहे हैं? चमेली खाना। चमेली खाना। चमेली खाना गाँव है। हाँ। मम्मी पापा का नाम पता है कुछ? हाँ, मम्मी। क्या नाम है मम्मी का आपके? मम्मी का नाम जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर मम्मी का नाम है। मम्मी की याद आती है? हैं, मिलना है उनसे। पापा का क्या नाम है? पापा का क्या नाम है? पापा का हेफर होटस्ट जोत है। क्या बोल रहे हो? पापा का नाम नहीं पता। जिला कौन सा है? जिला कौन सा है आपका? जिला कौन सा जिला है नहीं पता। कितनी पढ़ी हुई तुम? पढ़ाई लिखाई की हुई आपके कितने तक? 10वीं पढ़ी हुई। 10वीं तक पढ़ी हुई आप? अच्छा, फिर घर जाने का मन होता है अभी? फिर पता नहीं आपको कि कहाँ से आए हो आपको, गांव सिटी का पता नहीं है ना, ऐसा ही है ना। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये क्या क्या बोला है? एम नाम क्या बता रहा है? एम ओ एन मुनसिंह। मुनसिंह। अच्छा, मुनसिंह नाम बता रहा। और मम्मी की याद आती है आपको? आती है, मिलना है उनसे। गांव बताया आपका कौन सा है? गांव नहीं पता? छोटे थे तब आए हुए ये तो छोटा था। अच्छा, 13 में आए है ना।
क्या बता रहा है? काफी पहले आया, तीन चार में तेरे में आया, 2013 में आया, ट्रेन में आया था, इसको पता नहीं किधर से आया। 2013 में आया था, याद आती है घर वालों की ना? तो कभी कभी ये बच्चे स्ट्रेस में ऐसे नहीं चले जाते कि घर की याद जाता आती है फिर? जैसे पिछली बार जो छुट्टियां हुई थी 2022 के अंदर, तो जो यहाँ बच्चे रहते हैं मुख बधिर, सब बच्चों की छुट्टी, सब बच्चे घर चले गए, तो ये रोल ये छुट्टियों के अंदर भाग गया, रात को भाग गया। फिर अकेले मन कैसे लगेगा इनका? फिर वापस बैंगलोर से शेड्यूल के माध्यम से वापस लाए इसको, वापस लेकर भाग गया था। जब उससे बच्चों की छुट्टी होती है, इनको भी मन में होता है, सब बच्चे घर गए तो हम भी घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका घर का पता है नहीं, ये कुछ बता पाए तो हम इनको घर परिवार से मिला पाते हैं। हाँ। ये बता कुछ पाते नहीं तो इनको कहाँ भेजे। तो दोस्तों देखा आपने कि ये बच्चे थे, ये कहीं से बाहर से आए हुए हैं और अनाथ बच्चे हैं, इनको नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं, किसी को नाम नहीं पता, तो किसी को अपने पापा का नाम नहीं पता, तो किसी के अपने गांव का नाम नहीं पता। ये बड़ी सी स्कूल है जहाँ पर करीब 108 जो अनाथ है या भले कहे जो बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं लिख सकते और सुन नहीं सकते, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनकी यहाँ सेवा की जाती है। यहाँ पर जो टीचर्स है वो अच्छे से इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं और जो अनाथ बच्चे हैं बाहर से आए हुए उनको वहाँ पर वापस भेजा जाता है। धन्यवाद।